खबर लखीमपुर से है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ गई है, तो ये एक नया अपडेट है। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस आई थी और अब हलचल तेज हो रही है। तो क्या माना जाए कि इस हलचल के मायने ये है कि गिरफ्तारी होगी, बाहर लाया जाएगा आशीष मिश्रा को। तो ये खबर मिल रही कि आशीष मिश्रा को लेकर कभी भी पुलिस निकल सकती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर हलचल बढ़ गई है। ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस पहुंच गई है और मजिस्ट्रेट भी क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचेंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। लखीमपुर कांड में 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है और इन सब के बीच पुलिस लाइन में अब हलचल बढ़ गई है। एम्बुलेंस मंगाई गई है और मजिस्ट्रेट भी क्राइम ब्रांच ही पहुंचेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और सीधे रुख करते हैं लखीमपुर का। विवेक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, किस तरीके की हलचल बढ़ी है और क्या कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, यहाँ पर अभी अभी जो गतिविधियाँ शुरू हुई हैं, अभी अभी यहाँ जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, आप देख रहे हैं सामने दरवाज़ा बंद था, यहाँ से जो प्रभारी एसपी हैं, जो जिनके नेतृत्व में पूरी जांच हो रही है और जिनके नेतृत्व में पूरी पूछताछ हो रही है, वो अभी बाहर निकले थे और उन्होंने व्यवस्थाएँ ठीक करने के लिए कहा है। और RI यानी रिजर्व इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, रिजर्व इंस्पेक्टर अंदर गए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर फोर्स का मूवमेंट हो गया है, बढ़ गई है फोर्स। और आप देखिए सामने से वहाँ भी हम नज़ारा दिखाए चाहेंगे कि वो वहाँ भी फोर्स इकट्ठा हो गई। जो मेन गेट है, एंट्री का गेट है, वो आप देख रहे हैं, वहाँ पर अधिकारियों की गाड़ियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। और ये देखिए, ये सामने रिजर्व इंस्पेक्टर फ़ोन पर बात करते हुए यहाँ पर आ गए हैं, इनको बुलाया गया है। ये RI है यहाँ के लखीमपुर पुलिस लाइन के, इनको बुलाया गया है। तुरंत कहा गया है कि ये क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुँचे और वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। तो ये जो फोर्स का मूवमेंट है, रिजर्व इंस्पेक्टर का यहाँ आना है, ये सुनिश्चित करता है कि अभी कुछ देर में, यानी अगले 5 से 10 मिनट में आशीष मिश्रा को बाहर लाया जा सकता है। यहाँ पर बाहर लाने के बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी, जो अधिकारी हैं वो किस तरह की घोषणा करेंगे, क्या कहेंगे, क्या आशीष मिश्रा को गिरफ्तार दिखाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी शो की जाएगी, तो क्या अंदर उनका मेडिकल परीक्षण हो चुका है, मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो चुकी है, और क्या उनको यहाँ से सीधे जेल ले जाया जाएगा। ये सारे सवाल, अगर उनकी गिरफ्तारी दिखाते हैं तो क्या यहाँ से सीधे आशीष मिश्रा जेल जाएंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। और बिल्कुल विवेक, एक सवाल और भी उठ रहा है कि जिस तरीके से देर में शाम से लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि शहर के तमाम हिस्सों में या पुलिस लाइन के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा है, या अगर गिरफ्तारी होती है तो कुछ चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, ये वजह क्या है, इतनी फोर्स क्यों? देखिए अवधेश, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आशीष मिश्रा जो इस क्राइम ब्रांच के ऑफिस के अंदर बैठा है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। अमित शाह के बाद इस देश में दूसरी नंबर की पोजीशन है जिस व्यक्ति की, उसका बेटा है, उसके लिए ये व्यवस्थाएं, ये फोर्स इसलिए बुलाई गई है, इसलिए तमाम घेराबंदी की गई है, बैरिकेटिंग लगाई गई है। और जो बॉडी प्रोटेक्टर हैं, हमने गेट पे दिखाया कि बॉडी प्रोटेक्टर और शील्ड से लैस, हेलमेट से लैस स्पेशल फोर्सेज, जो कमांडो फोर्सेज हैं, जो लखीमपुर पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं, SSB हैं, उनको सबको बुलाया गया है। यानी ये व्यवस्थाएँ VVIP के लिए सुनिश्चित की गई हैं, क्योंकि खतरा भी हो सकता है, जिस तरह से किसानों में यहाँ पर आक्रोश है, यहाँ के किसान आक्रोशित हैं, उनको लेकर कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, जिस तरह से जीप से कुचल के मारने के वीडियो वायरल हुए हैं, तो बहुत सारा अंदर गुस्सा भरा हुआ है। वो किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस लाइन के आसपास भारी संख्या में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस आशीष को लिखा पढ़ी करके, पूछताछ करके छोड़ने की तैयारी कर रही है। तो वो एक एक गतिविधि पर नज़र रखें, एक एक हलचल पर नज़र रखें। इसके अलावा आशीष मिश्रा के अपने समर्थक भी हैं, अगर पुलिस गिरफ्तारी शो करती है तो उनके समर्थक कहीं हिंसा पे ना उतारू हो जाएं, दोनों तरफ से, एक तो किसानों का डर है, उस दूसरा उनके समर्थकों का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी गिरफ्तारी, पुलिस उनकी गिरफ्तारी की घोषणा करें और उनके समर्थक हिंसा पर उतारू हो जाएं। चूंकि आशीष मिश्रा यहाँ लखीमपुर का एक बड़ा नाम है, एक रसूखदार व्यक्ति है, एक बड़े परिवार से संबंधित व्यक्ति है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था में जो अव्यवस्था ना पैदा हो,
कानून व्यवस्था सुरक्षित रहे इसलिए इतना फोर्स बुलाया गया। ये पूरे लखीमपुर जनपद का फोर्स है, इसके अलावा आसपास के जनपदों से भी, सीतापुर से भी यहाँ फोर्स बुलाया गया है। ये जब उपद्रव हुआ था उसके बाद जो फोर्स बाहर से आई थी तब से ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, और जो पुलिस लाइन की अपनी आर्म्ड पुलिस की फोर्स होती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये जितने जवान आप देख रहे हैं ये सब एपी के हैं, यानी आर्म्ड पुलिस के हैं, जो अमूमन पुलिस लाइन पर रहते हैं और किसी भी अराजक स्थिति में, अराजकता की स्थिति में या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सिचुएशन में वो मौके पर जाके कंट्रोल करते हैं। ये वो जवान हैं, ये वो फोर्स है, ये आप देख रहे हैं यहाँ जो जितनी फोर्स है लगी हुई है, पुलिस के जवान लगे हुए हैं। प्रयास ये है, कोशिश ये है कि किसी भी तरह से शहर की स्थितियां प्रभावित ना हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित ना हो। अगर आशीष मिश्रा जो इतना बड़ा नाम है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटा है वो, रसूखदार देश में नंबर दो पोजीशन पर है, वहां पर अगर उसकी गिरफ्तारी शो करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। इसके अलावा अगर नहीं भी करते हैं तो अगर गिरफ्तारी की बात नहीं आती है तो अगर उसको छोड़ा जाता है यहाँ से तो जो किसान बाहर एकत्र हैं, जो बिल्कुल यानी कि नाराजगी वो कहीं विरोध ना कर दे, अगर गिरफ्तारी होती है तो समर्थक उग्र हो सकते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसान उग्र हो सकते हैं। इन सब बीच विवेक जो जानकारी आ रही थी कि मजिस्ट्रेट को ही यहाँ पर बुलाया जा सकता है, तो क्या वो आ गए हैं या आ सकते हैं, उनको लेकर क्या खबर है? देखिए अवधेश, यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में ना कोई कुछ बोल रहा है, ना ही पुलिस के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है। मैंने अभी जो यहाँ पर DSP इस तरह के अधिकारी मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि अंदर कौन लोग गए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये विभागीय मामला है, ये प्रोसीजर है और प्रोसीजर के तहत काम हो रहा है, इसलिए हम किसी भी तरह का सवाल का जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। तो अंदर जो भी लोग जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर मेडिकल टीम से संबंधित हो सकते हैं या मजिस्ट्रेट हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, उनसे संबंधित हो सकते हैं। कोई भी जो अंदर गया है वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आशीष मिश्रा से, अब ये पुष्टि हो गई है। पहले ये पता लग रहा था कि उनके परिवार, बिल्कुल विवेक आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। लखीमपुर खीरी कांड में, तिकुनिया कांड मामले में एक और वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता, लेकिन लखीमपुर कांड की हर तस्वीर आपके सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये नया वीडियो भी है जिसमें प्रदर्शनकारी एक शख्स की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिटने वाला युवक पत्रकार है और पत्रकार के मौर्य की पिटाई का वीडियो ये बताया जा रहा है। तो जो शहीद हुए हैं पत्रकार रमन, उनका नाम तो आप सुने हैं, लेकिन के मौर्य कुछ किस्मत थे कि जान बच गई, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको पीटा गया था और उन्हीं का पिटाई का ये वीडियो सामने आया है। तो ये लखीमपुर के तिकुनिया कांड मामले में एक और वीडियो सामने आया है। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चूंकि हर तस्वीर हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों को लाने की फेहरिस्त में ये एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स पर प्रदर्शनकारी पिटाई कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि पिटने वाला युवक पत्रकार है और पत्रकार के मौर्य का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए नाम भी वो ले रहे हैं कि के मौर्य नाम है मेरा, सुनिए और देखिए पूरा वीडियो। तो देखिए बोल रहे हैं कि भैया मैं पत्रकार हूँ, के मौर्य है नाम मेरा। तो ये किसानों की जो जाति है वो भी आप देख सकते हैं, मामला एक तरफा तो किसी कीमत पर हो नहीं सकता। जो 8 लोगों की मौत हुई वो एक गंभीर विषय है, लेकिन देखिए किस तरीके से उग्र लोगों ने एक पत्रकार की पिटाई की और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो वायरल होना शुरू हो गया, एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता है, इसकी जांच के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन ये एक नया वीडियो सामने आया है। और नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी नवीन, ये जो वीडियो है इसमें क्या हो रहा है, ये कौन लोग पिटाई कर रहे हैं और किसकी पिटाई कर रहे हैं? ये अवधेश आपको बता दें, ये तिकुनिया कांड से जुड़ा वीडियो हुआ है, वायरल हुआ है और इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है भारी संख्या में पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और पत्रकार जो है के मौर्य जी अमर उजाला के पत्रकार हैं, निघासन तहसील के पत्रकार हैं और इनकी जबरदस्त जमकर वहां पर किसान पिटाई कर रहे हैं।
फिलहाल ये किसी तरीके से वहाँ अपनी जान बचाकर भागे। इनसे अभी फोन पर हमारी बात हुई, इन्होंने बताया हमें पुलिस ने नहीं बचाया, जबकि पुलिस वहाँ काफी संख्या में खड़ी थी। अब पुलिस पर भी सवालिया एक निशान लगता है कि पुलिस आखिरकार क्यों चुप रही, और लगातार उनके सामने किसान उनको पीट रहे हैं, लगातार वो गुहार लगा रहे हैं, अपना नाम भी बता रहे हैं कि हम के मौर्या पत्रकार हैं अमर उजाला के निखासन के, लेकिन फिर भी उनको नहीं बख्शा जाता है, लगातार लाठी डंडे से उनकी पिटाई की जा रही है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत बड़ा है नवीन, जिस तरीके से तस्वीर है, ये जितने भी सुरक्षा बल के जवान हैं इनको जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनको पता ही नहीं चल रहा या सुनाई नहीं पड़ रहा, अंधे हैं ये, बहरे हैं, कि एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है और ये शांति से खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल खड़े हैं, अधिकारी वहां पर खड़े हैं, उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, तस्वीरों में देखा जा सकता है मुंह मोड़ लिया है, और पत्रकार पुलिस की तरफ भी भाग रहा है कि किसी तरीके से उसकी जान बच जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अपने ही उसकी भाग्य थी जिसकी वजह से वो बच गया और अपना नाम वो चिल्लाता रहा, पुलिस की तरफ भागता रहा, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने देखा रोकने का कोशिश नहीं की, और पत्रकार दुकान लगाता रहा, अपना नाम बताता रहा कि शायद भी तो वक्त थे, क्योंकि हम लोकल के हैं, क्योंकि लोकल की घटना है, निराकर तहसील की घटना है, ये 3 अक्टूबर को ये कांड हुआ था, उसी में ये वीडियो अब लगातार नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, और नवीन एक सवाल और भी उठता है कि जो भी लोकल पत्रकार होता है कम से कम नेता तो उसे पहचानते हैं स्थानीय स्तर के, इतना उसका जनसंपर्क होता है, ऐसे में अगर पत्रकारों को भी पीटा गया तो ये समझा जा सकता है कि अपराध दोनों पक्षों ने किया है, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और ठीक है, वहाँ पर भारी संख्या में पहले से ही पुलिस बल मौजूद था, उसके बाद में एक घटना हुई, फिर भी पिटाई करके तस्वीरों में जैसे पहले से ही जो वायरल हुए थे सभी टीवी चैनल में दिखाया, जबरदस्त उसमें पिटाई किसान कर रहे हैं, जिससे शिवम नाम के कई 4 लोगों की अन्य मौत हो जाती है, उसी तरीके से पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद थी और ये के मौर्य पत्रकार उनके सामने पिटाई कर रहे थे, वो न्याय जान बचाने की भीख मांग रहे थे, लेकिन कोई भी पुलिस वाले वहां पर पीछे पलट के नहीं देख रहे हैं, जबकि तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है वो लगातार गुहार कर रहे हैं कि वो लोकल के थे तो शायद किसान उनको बस दे, जो तहसील स्तर के वो पत्रकार थे अमर उजाला के, शायद वो छोड़ दें, लेकिन उनको किसी ने नहीं बख्शा। अच्छा नवीन, क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है, क्या के मौर्य ये बताने की स्थिति में है कि ये जो पिटाई हुई है ये उस घटना के बाद हुई या पहले हुई या संघर्ष के बीच हुई, ये किस वक्त ये वाकया हुआ था? ये किसान काले झंडे दिखाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो कवरेज के लिए वहाँ पर गए थे, और वहाँ यही नहीं काफी पत्रकार निशासन से वहाँ पर गए थे, उसी में रमन नाम के पत्रकार की भी मौत हो चुकी थी, यही लोग जान बचाकर अपनी भाग रहे थे, उसी दरमियान किसानों ने इनको खेल लिया और पकड़ कर जम कर पिटाई की, जबकि तस्वीर में देख रहे हैं कि लाठी डंडों से पिटाई हुई, उनसे हमारी बात भी हुई, अभी फोन से बात भी हुई, तो ये डरे सहमे भी अभी है और बाइट देने से कुछ कहने से मना कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम अपनी जो वहाँ पर हम खड़े थे पिटाई कर रहे थे लोग हमारी, तो हम अपना नाम ले रहे थे कि हम लोकल स्तर के हैं, तो सभी किसान जानते होंगे पहचानते होंगे तो शायद हमें छोड़ दें। जी बिल्कुल, यानी कि नवीन ये कह सकते हैं हम कि रमन से किस्मत इनकी अच्छी थी, वरना जो हालत है जिस तरीके से पीटा जा रहा है तो आंकड़ा 8 से 9 हो जाता अगर इनकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो। बिल्कुल अवधेश सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात ये भी है कि ये वीडियो संयोग है, इनका वीडियो बन गया, इसके अतिरिक्त भी वहां पर जितने पत्रकार वहां पर गए थे सभी की लगभग पिटाई हुई है, सभी की पिटाई हुई किसी तरीके से, कोई गन्ने में भाग के, धान के खेत में भाग के, क्योंकि लोकल इलाका था तो रास्ते उनको थोड़ा बहुत पता थे, धान गन्ने के खेत होकर ये सब वहां से निकले हैं, सभी की पिटाई हुई थी, लेकिन इनका बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो है ये कई सवाल खड़े करती हैं, और सवाल खाकी के लबादे में लिपटे इन सुरक्षा बल के जवानों पर भी कि एक व्यक्ति को पीटा जा रहा था, न तो इनको दिखाई पड़ा, न तो इनको सुनाई पड़ा, या फिर इनको फर्क नहीं पड़ा, बेहद गंभीर ये मामला है और यह हैरान करने वाली तस्वीरें। शुक्रिया नवीन आपका जानकारी के लिए। और लखीमपुर कांड पर अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, अपराध में लिप्त केवल हाथ ही नहीं दिमाग भी गिरफ्तार होना चाहिए, तो सीधा निशाना किधर है आप समझ सकते हैं, आशीष के पिता की तरफ। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और वो लिख रहे हैं कि अपराध में लिप्त केवल हाथ ही नहीं दिमाग भी गिरफ्तार होना चाहिए, विपक्ष लगातार इस बात को मांग कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
और बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। मृतक शुभम मिश्रा के परिजनों और शहरवासियों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि शुभम मिश्रा के हत्यारों को गिरफ्तार करो। शुभम की 3 अक्टूबर को तिकोनिया कांड मामले में पिटाई से मौत हो गई थी और आज देखिए शहर में प्रदर्शन किया गया है। तो मृतक शुभम मिश्रा के परिजनों और शहरवासियों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि शुभम मिश्रा के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। शुभम की 3 अक्टूबर को तिकोनिया कांड मामले में पिटाई से मौत हो गई थी और आज न्याय के लिए यात्रा निकाली गई है। लखीमपुर खीरी में कैंडल मार्च किया गया, नारेबाजी की गई और मांग की गई कि शुभम मिश्रा के जो हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो सवाल सबके मन में यही है कि मुआवजे में देरी नहीं, नौकरी के ऐलान में देरी नहीं, जांच बिठाने में देरी नहीं, तो फिर आखिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे की मंशा आखिर क्या है। तो शुभम मिश्रा की पिटाई से और इस पूरे लखीमपुर खीरी कांड में, माफ कीजिएगा, इस कांड में मौत हुई थी और अब उन्हीं के परिजनों ने और शहरवासियों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि शुभम मिश्रा के हत्यारों को गिरफ्तार करो। शुभम की 3 अक्टूबर को तिकोनिया कांड मामले में पिटाई से मौत हो गई थी और उसी के बाद ये न्याय के लिए प्रदर्शन किया गया। न्याय के लिए ये कैंडल मार्च लखीमपुर खीरी में निकाला गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं और क्या क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है। 3 तारीख को ये घटना हुई, 4 तारीख को FIR दर्ज हुई, लेकिन सवाल उठने इस बात पर शुरू हुए कि आखिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही। 6 अक्टूबर को कांड में शामिल आरोपियों से पूछताछ की गई। 7 और 8 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को समन भेजा गया और आज सुबह 10:45 पर आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच पहुंचे और वहां पर ये पूछताछ का सिलसिला जारी है। 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन गिरफ्तारी वाली जो बात है, हालांकि तय माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी, लेकिन कैसे होगी, किस तरीके से होगी, कब दिखाई जाएगी, इस पर निगाहें बनी हुई हैं और ये पूरा घटनाक्रम में बदलाव किस तरीके से आया, क्या क्या अपडेट हुए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 7 दिन में क्या क्या हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। 7-8 अक्टूबर को समन भेजा गया, पहले तो आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे थे पूछताछ के, लेकिन आज 10:45 पर पुलिस लाइन पहुंचे। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया चौराहे पर ये कांड हुआ था, बहुत बड़ा कांड हुआ, पर अब देर चल गया। 4 अक्टूबर को आशीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 6 अक्टूबर को कांड में शामिल आरोपियों से पूछताछ की SIT ने। 7 और 8 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को समन भेजा गया, पहले नेपाल भागने की सूचना आई सूत्रों के हवाले से, लेकिन आज आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच पहुंचे और अब माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी तय है। एम्बुलेंस बुला ली गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मजिस्ट्रेट यहीं आएंगे क्राइम ब्रांच और उसके बाद क्या होता है उस बताने के लिए लगातार ABP गंगा आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, पल पल पर निगाहें बनाकर रखे हुए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए चहलकदमी जो हलचल है वो बढ़ी हुई है और अब क्या कदम होगा क्राइम ब्रांच का, प्रशासन का, वो देखने वाली बात है। तो इस पूरे मामले पर विपक्ष मुखर हो गया है और किसान नेताओं ने, अगर बात करें तो राकेश टिकैत ने 12 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तो हो ही, साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करके उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, वरना एक सुनियोजित और सुसंगठित देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। तो आशीष मिश्रा से करीब 9 घंटे से पूछताछ जारी है। लखीमपुर क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर एम्बुलेंस मंगा ली गई है, हलचल तेज है। आशीष मिश्रा का मेडिकल कराया जा सकता है और मजिस्ट्रेट भी क्राइम ब्रांच ही पहुंच सकते हैं, मजिस्ट्रेट क्राइम ब्रांच पहुंच सकते हैं। सुबह करीब 11:30 आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच पहुंचे थे, सदर विधायक के साथ स्कूटर पर बैठकर पहुंचे आशीष और क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर भाजपा समर्थक भी मौजूद थे। सिर्फ हाथ ही नहीं, अपराध में संलिप्त दिमाग भी गिरफ्तार हुई। अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके मांग की है, किसान संगठनों ने कहा है कि 12 तारीख को बड़ा ऐलान करेंगे और मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये ABP गंगा से राकेश टिकैत ने बातचीत में कहा है कि
अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए बर्खास्त करके, वरना 12 तारीख के बाद अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन को अभी काम करने दीजिए, 12 तारीख को हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। अखिलेश यादव ने मांग की है, बिना नाम लिए एक बड़ा तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि अपराध में लिप्त हाथ ही नहीं दिमाग पकड़ा जाए और आशीष मिश्रा को लेकर कभी भी निकल सकती पुलिस हलचल तेज हो गई। क्राइम ब्रांच के बाहर देखिए कुछ लोग अंदर जाते हुए दिखे तो ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस पहुंच ही गई थी और अब लगातार धीरे धीरे हलचल तेज हो रही है क्राइम ब्रांच में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए कुछ लोग आए और वो उस कमरे में गए जहां पर ये पूछताछ चल रही है। 9 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब धीरे धीरे हलचल तेज हो रही है क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर और किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस आशीष मिश्रा को लेकर कभी भी निकल सकती है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट, ताजा अपडेट आ रहा है लखीमपुर खीरी से, जहां पर पुलिस लाइन में हलचल तेज है, क्राइम ब्रांच की पूछताछ लगातार जारी है। तो लखीमपुर खीरी कांड में इस वक्त की बड़ी खबर, 9 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है, क्राइम ब्रांच के बाहर हलचलें तेज हो गई हैं। नवीन हमारे साथ जुड़ गए, नवीन क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके की हलचल है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें लगभग 10 घंटे होने वाले हैं, आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस लाइन के क्राइम ब्रांच ऑफिस में लगातार एसआईटी के जो डीआईजी हैं उपेंद्र अग्रवाल जी और उनके साथ अन्य टीम के लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। 10:30 बजे आशीष मिश्रा जो पुलिस लाइन आए थे और अभी भी उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ के बाद क्या निकल कर आ रहा है सामने, किस तरीके से लगता है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि एसआईटी उनके जो जांच जो उनके अपने बयान दे रहे हैं उससे शायद संतुष्ट नहीं आ रही है, शायद इसलिए और लंबी आगे की भी पूछताछ करें और भी समय में लगने की संभावना है। फिलहाल वहां पर काफी जमावड़ा है, पुलिस बल का जमावड़ा है, काफी मीडिया, पूरे देश की मीडिया वहां पर एक्टिव है, वो भी जानकारी के प्रयास में है किस तरीके से जल्दी सामने आए तो उनका उनसे भी बातचीत की जाए, उनका भी पक्ष जाना जाए कि किस समय क्या हुआ है अधिकारियों के। बिल्कुल नवीन, लेकिन ये बताइए जिस तरीके से वहां पर फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है, सुरक्षा बलों को बढ़ाया जा रहा है, शहर में क्या स्थिति है, पुलिस लाइन के बाहर क्या स्थिति है और क्या इस बात की आशंका है कि गिरफ्तारी अगर होती है तो इसमें कोई बड़ा बवाल भी समर्थक कर सकते हैं आशीष मिश्रा के? देखिए अभी ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, पुलिस लाइन के ठीक बाहर अभी तक सन्नाटा है, उसके पुलिस लाइन के ठीक सामने जिला कारागार लखीमपुर खीरी है, गेट पर गेट बंद कर दिया गया है, उसके अंदर भी सिपाही, कई सिपाही घूम रहे हैं, हलचल है वहाँ जेल के अंदर भी, पड़ोस में चौराहा है वहाँ पर भी भारी संख्या में चौराहे पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है कि किसी कारणवश कोई आपने कोई घटना न घटने पाए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पुलिस फोर्स जबरदस्त मुस्तैद कर दिया गया है। कि नवीन जो पुलिस लाइन है और जो जेल है आमने सामने, अगर गिरफ्तार करके जेल भेजा भी गया तो बस सड़क पार करनी पड़ेगी, इतना सा वक्त लगेगा? जी सर बिल्कुल, सड़क पार करें और ठीक सामने जिला कारागार है, अगर गिरफ्तारी होती है तो ठीक सामने अंदर पहुंचा दिया जाएगा उनको। हालांकि इसके लिए प्रशासन, जिला प्रशासन ने काफी व्यवस्था कर रखी है कि अब ये भी पुष्टि नहीं हो पा रही कि उनको घर जाने दिया जाएगा या सीधे जेल भेजा जाएगा, जगह जगह पर पुलिस मौजूद है, यहाँ पर पड़ोस में चौराहे भी है, वहाँ जबरदस्त तरीके से पुलिस चारों तरफ लगा दी गई है किसी अप्रिय घटना न घट पाए अगर वो गिरफ्तारी करके जेल भेजे जाते हैं तो। बिल्कुल, और फिलहाल किस तरीके की हलचल है नवीन, वहाँ पर क्या नया हो रहा है, जानकारी ये भी मिल रही है कि मजिस्ट्रेट को यहीं पर बुलाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा संभावना लग रही है कि जिस तरीके से लगभग 10 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है, आशीष मिश्रा ने अपने डॉक्यूमेंट जो है पूरे जो उनके पास सबूत थे, पिक्चर वगैरह थी, वीडियो थे, वो सारे सब कुछ उनको सौंप दिया है और उस तरीके से जहां अपनी पूछताछ में जो उन्होंने अपनी पक्ष से जो बातें थी वो भी लगभग पूरी तरीके से बता दी है, लेकिन फिर भी अभी अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से आगे पूछताछ के बाद क्या निर्णय लिया जा रहा है, अभी ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बिल्कुल नवीन, तमाम चीजें हैं क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा कांड हो रहा है, जिस तरीके से सियासी दलों का मूवमेंट हुआ, फिलहाल जिस जगह पर ये पूरा कांड हुआ, जो परिजन हैं उनमें भी क्या नाराजगी इस बात को अभी बनी हुई है कि सब कुछ तो सरकार ने मान लिया लेकिन गिरफ्तारी वाली बात
कहीं से भी सामने अभी नहीं आ रही है। अजय मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो नवीन से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जो शहर है, जो मुख्य चौराहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी है। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच जो है, जो पुलिस लाइन है, इसके ठीक सामने जिला कारागार है। ऐसे में अगर गिरफ्तारी होती है तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस पुलिस लाइन से निकले और रोड पार करके सीधे जिला कारागार, इतना सा वक्त लगना है जेल पहुंचाने में। लेकिन क्या होगा उस पर निगाहें बनी, लेकिन फिर भी जानकारी यही मिल रही है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है, मेडिकल कराया जा सकता है क्योंकि एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, मजिस्ट्रेट भी कभी भी क्राइम ब्रांच ही पहुंच सकते हैं। सुबह करीब 10:45 पर आशीष मिश्रा से पूछताछ हुई और सदर विधायक के साथ स्कूटर पर बैठकर आशीष पहुंचा। क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर भाजपा समर्थक भी मौजूद हैं और सिर्फ हाथ ही नहीं, अपराध में संलिप्त दिमाग गिरफ्तार हो। ये थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि केवल अपराध में लिप्त हाथ नहीं बल्कि दिमाग भी गिरफ्तार किया जाए। सीधा निशाना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ है और राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी सरकार को काम करने दीजिए, 12 तारीख के बाद बताएंगे। कांग्रेस कह रही है कि ये हमारे बड़े नेताओं के आंदोलन का दबाव है कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक न्याय इस मामले में नहीं हो पाएगा। तो ये 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर कांड में 9 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आशीष मिश्रा से पूछताछ हो रही है और इन सब के बीच